नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने कहा कि नोखा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, शहर में केवल जवर है तो कांग्रेस नहीं है। विधायक के तौर पर नोखा विधायक ने राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, नोखा के हर मुद्दे पर बात उठाई। साथ ही सुशीला डूडी के चुनाव लड़ने पर कहा कि पिछली बार रामेश्वर डूडी जी को चुनाव जब वो लड़े तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे और कहा कि कांग्रेस में वंशवाद कोई नया नहीं है, जनता उनके बीच रहने वाले व्यक्ति को चुनती है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की बिहारी लाल से खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोखा से विधायक और भाजपा के प्रत्याशी बिहारी लाल विश्नोई। देखिए, बिहारी लाल विश्नोई खास तौर पर तब चर्चा में आए जब उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी को पिछले चुनाव में हराया। इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। यहाँ से जो रामेश्वर डूडी चूंकि बीमार हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, तो साथ ही साथ केएल झंवर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिहारी विश्नोई जी से शुरू करते हैं। विश्नोई जी, आप सक्रिय रहे, ये देखा हमने, कुछ एक चीज़ें चस्पा कर दी गई आपको, ये कहा गया, लेकिन वो आपकी सक्रियता थी कि आप हर मुद्दे पर बात रखते थे। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, पहला सवाल? तो देखिए, हम पूरे राजस्थान में किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, इस सरकार ने जो धोखा किया, झूठे वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी रही, और ये खाली प्रदेश, हर हिस्से में, मैं नोखा विधानसभा का विधायक हूँ, वहाँ का प्रत्याशी हूँ, तो नोखा में भी ये स्थिति थी, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं, और किसानों के मुद्दों पे, बिजली के मुद्दों पे सरकार पूरी तरह फेलियर रही। हमारे 5 बरस किसानों के साथ हर जीएसएस को घेरने में, हर अधिकारी को घेरने में ही निकले हैं, और 5 बरस किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, और विकास के मामले में जो पक्षपात किया गया, उन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 36 बिरादरी के परिवार को अपने साथ खड़ा कर चुका है, और उसके साथ राजस्थान में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अच्छा, नोखा के चुनाव को लेकर हमेशा कहा जाता है कि परिणाम अनोखे देते हैं। जैसे पिछली बार आपने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जो बातें हुई, आप बहुत साइलेंट परफॉर्मर के तौर पर उभर कर आए। इस बार की जो बात है, ये बात बहुत चल रही है कि सहानुभूति का जो वोट है वो छिटकेगा, और ऐसे में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, वो कहते हैं ना कि कोशिश ऐसी कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। निश्चित तौर पर हमने 15 वर्षों तक फील्ड में काम किया, और जनता ने उस अपेक्षा के अनुरूप उस विपरीत परिस्थितियों में भी रिजल्ट दिया, और ये रिजल्ट वो था कि जो लोग सिर्फ नाम पे और राजनीति करते हैं, जो उस पे वह राजनीति करते हैं, उन लोगों का जमाना लद गया। अब जो व्यक्ति 24 घंटे जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दों से सरोकार रखेगा और उनकी लड़ाई लड़ेगा, और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नोखा में फिर ताकत से मजबूत इसलिए है कि उनके विधायक ने राजस्थान की सबसे बड़ी चौपाल विधानसभा में नोखा के हर वर्ग के मुद्दों को, नोखा के हर वर्ग की चिंता को, हर खेत, हर खलिहान, हर गाँव की, शहर की चिंता को वहाँ अभिव्यक्त किया है, और उसी का नतीजा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमने नोखा के लिए वो काम किए हैं जो पिछले 70 वर्षों में 27 भी नहीं कर पाए। पर कहा जा रहा है कि केएल झंवर जो है आपके वोटों में सेंध लगा रहे हैं, कितना सच है, कैसे देखते हैं, क्या आप मुकाबले को त्रिकोणीय मानते हैं? देखिए, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। नोखा शहर में दो ही कोण है, बिहारी विश्नोई भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और केएल झंवर कांग्रेस एब्सेंट है। गाँव में दो ही कोण है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, केएल झंवर एब्सेंट है, इसलिए कोई दो कोण नहीं है, एक ही कोण है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात से मजबूती से डटा हुआ है। और पिछली बार जो हमारे सामने चुनाव जिन लोगों ने लड़ा, आदरणीय रामेश्वर जी ने कांग्रेस से लड़े, तो उस वक्त जो जनता में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में थी, और किन जिन बूथों पे उनका प्रभाव था, वहाँ की पोलिंग परसेंटेज 97, 95, 93% थी, इसलिए ना तो कोई सहानुभूति का चक्कर चलने वाला है। ना बिहारी जी, गैरों का तो जिक्र ही क्या, अपने ही पाले हुए उतर गए हैं गैरों की छतों पर, ये तो एक समस्या आ रही है ना आपके वहाँ पर? वो उनके आ रही है, वो दोनों एक ही थे, और वो अब उतरे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो समस्या उनके आएगी, हमारे कोई समस्या ना, हमारा कोई गैर हुआ है, हमारे तो गैर भी अपने हुए हैं, और हमारे में से कोई गैर नहीं हुआ, वो तो पार्टी के कुछ नेताओं की बात कर रहा हूँ, वो कोई अलग, मेरे नोखा में तो ऐसा कुछ है नहीं, और बाकी जहाँ भी ऐसा कुछ है तो पार्टी का परिवार अपने मैकेनिज्म से उनको साथ जोड़ लेगा। विधायक का 200 विधायकों में दूसरा नंबर आता है, तो नोखा की जनता को ये उम्मीद जगी है कि हमारी बात करने वाला वहाँ है, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला वहाँ है, चाहे वो सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे अधिकारियों के दफ्तर हो, तो नोखा की जनता उसी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मुस्तैदी से डटी हुई है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहारी लाल विश्नोई कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, कहते हैं मुकाबला सीधा होगा। खैर, ये जनता तय करेगी कि क्या वाकई बिहारी भारी पड़ेंगे, या फिर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में परिणाम कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।